नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिकअप फ्रॉम स्टोर शिपिंग ऑप्शन कैसे एनेबल करते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो एरर था शिपिंग का, उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको शिपिंग ऑप्शन, जो अपना पिकअप फ्रॉम स्टोर ऑप्शन है, उसको कैसे एनेबल करते हैं। तो ये करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले एडमिन पैनल में, और एडमिन पैनल में जाने के बाद में आपको जाना है शिपिंग, और उसके बाद में कैरियर्स के ऑप्शन में। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिकअप इन स्टोर, ये वाला जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट है PrestaShop में। आपको बस एक चीज़ करनी है यहाँ पर, जैसे जो जोन था उस जोन को एनेबल करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी एशिया जैसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में फिनिश कर दिया एंड रिफ्रेश, और फिर अभी मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ कार्ट में। प्रोसीड कंटिन्यू। ये देखिए, पिकअप इन स्टोर, दिस ऑप्शन इज एनेबल्ड। सो इतना सिंपल है अगर पिकअप फ्रॉम स्टोर एनेबल करना है तो। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने डिफरेंट जोन सेलेक्ट किए हैं, जोन क्रिएट किए हैं अपने साइट में, तो उन जोन्स को भी सिलेक्ट करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हो कि लाइक स्पेसिफिक रीजन से लोग आए और कलेक्ट करें जो भी प्रोडक्ट है वो मेरे स्टोर से, तो उस हिसाब से आपको वो जोन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जोन सेलेक्ट नहीं होगा तो वो एरर देगा डेफिनेटली। सो अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट में अगर कोई भी PrestaShop रिलेटेड क्वेरीज है या फिर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।